इस्लामी साल के मुताबिक कल जारा की बरसी है। हम भी देखते हैं कि कल तुम जारा के लिए फातिहा पढ़ते हो या नहीं। 2 साल हो गए जारा। तुम्हें पता है पहली बार जब हमें इस बात की खबर आई थी कि तुम इस दुनिया में, हमें लगा था कि एक पल के लिए नहीं जी पाएंगे हम, लेकिन एक पल जीते 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 2 साल निकल गए। और उसके बाद हमारी जिंदगी में तुम्हारी हम नाम जारा है, और उसके साथ आए 3-3 छोटे छोटे बच्चे। इन नए रिश्तों में हम इतने मशरूफ हो गए थे कि वक्त का पता ही नहीं चला। और इन्हें भेजा किसने? शान से तुमने सबके सामने कहा कि जारा की कब्र का पता कातिल ने तुम्हें बताया, अल्लाह ने नहीं। इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं थी। एक बात हमें बताओ, इस जारा को तुम्हारे पास भेजा किसने? इन बच्चों को तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला कौन? अरे तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था कबीर मियां, रोशनी किसने की? मरने की ख्वाहिश थी तुम्हारे दिल में, उस ख्वाहिश को जीने की ख्वाहिश बनाने वाला कौन? वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें संवारा है, जिसने तुम्हारे अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा की है, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। किस हक से तुम उससे मुंह मोड़ रहे हो, हमें बताओ तो? तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है, फैसला ले लो। तुम्हें तुम्हारी ये जिद प्यारी है या जारा की रूह को सुकून पहुंचाना तुम्हारे लिए और ज्यादा जरूरी है? सोचो और उसके बाद फैसला लो। हमारी जारा अल्लाह की वो नेक बंदी थी जिसे खैरात बांटना बहुत पसंद था। अपनी अंगूठियां तक उतार के दे दिया करती थी वो। आज उसी की बरसी में ये कपड़े बांटकर हम उसके उसके शौक को जिंदा रखना चाहते हैं बेटा। सोचो जब कोई मुफलिस की बेटी इन कपड़ों को पहनकर खुद पे खुश होगी तो हमारी जारा की रूह को कितना सुकून पहुंचेगा। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कपड़े हम दें किसको। आजकल तो लोग खैरात में मिलने वाली चीजों को बेच देते हैं बेटा। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम खुद एक ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो जरूरतमंद हो और जो इन कपड़ों को पहने भी। नानी जान, ये बरसे पे क्या होता है? अलीशा, जिसकी बरसी होती है ना, उसके लिए अल्लाह का कलमा पढ़ा जाता है, उसके सबाब के लिए, उसकी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए गरीबों को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाते हैं। कल जारा की बरसी है ना, तुम्हें याद है? हमें सब याद रहता है कबीर। तुम खुदा को दिल से मानते हो, खुदा की राह पे चल के उनके लिए खौफ जो तुम्हारे दिल में है, इसी करके तुम अब्बू से जारा की मौत का बदला नहीं ले पाते। बिल्कुल, अभी तुम सही रास्ते पर हो। कल जारा की बरसी है, लोग तुम्हें बहलाएंगे बहकाएंगे, आंसू बहाकर तुम्हें तुम्हारा दिल नरम करने की कोशिश करेंगे और तुम फिर से अल्लाह की राह पर चल पड़ोगे। अगर ऐसा हो गया ना कबीर, तुम सारा की मौत का बदला कैसे लोगे? हमारे पास इससे बचने का एक रास्ता है। बोलो। कल आगरा चलते हैं, ताजमहल का दीदार करते हैं, मोहब्बत के सबसे बड़े मकाम का जियारत करते हैं। चलोगे हमारे साथ? मंजूर है। सच्ची? मजाक कर रहे हो कभी तुम? ये मजाक नहीं है यार। लो, तुम हमारे साथ सच में आगरा चलोगे?
यानी कल सुबह से परसों शाम तक तुम हमारे साथ होंगे आगरा में। तुम्हें पता है कल चौधरी की रात है, कल चांद निकलेगा, ताजमहल चांदनी में नहाएगा और तुम और हम जमुना किनारे बैठकर इसका दीदार करेंगे। तो एक काम करें, कल नहीं आज रात निकलते हैं। आज रात पैकिंग सामान पैकिंग सब छोड़ो, खुले आसमान के नीचे हम तुम और जारा की आरामगाह, मजा आएगा। कभी दरअसल हम कुछ समझे नहीं, क्यों जारा का जिक्र क्यों? क्योंकि हम अल्लाह ताला से रूठे हुए, जारा से नहीं। हमारे लिए ताजमहल तो हमारी जारा का आरामगाह है, जिस कब्रिस्तान में जारा दफन है। पूरी रात कुरान की तिलावत तुम करोगी, तुम। ये पागल हो गया है, हे अल्लाह, लगता है ये हमें उसी कब्रिस्तान में दफन करने का इरादा कर चुका है। हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे कबीर। क्यों? कबीर, हम सोच रहे थे कि अब वहां जाके क्या फायदा, अंधेरा होगा। हम रोशनी है उधर, वो लाइट्स लगे हुए हैं, रोशनी भी मिलेगी, इंशाल्लाह आराम से कुरान पढ़ोगी और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। डर? कबीर, तुम्हारे होते हुए हमें डर कैसे लग सकता है? असल में वो कशान भाई ने हमें गलती से भूल से डंडा मार दिया था, तो वो दर्द आज फिर से उठी है। जो हमने दर्द की दवा खाई तब से बेइंतहा नींद आ रही है। एक दो घंटे सो लेते हैं, फिर चलते हैं तुम्हारे साथ, है ना? हम आते हैं, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। है आगरा जाना है इनको। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आप दवाई क्यों नहीं लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम ये दवाई लेते तो हमें नींद आ जाती है। तो अच्छी बात है ना अबू, दवाई लेंगे अच्छे से सो पाएंगे। नहीं नहीं जीनत, हम सोना ही तो नहीं चाहते। कल जारा की बरसी है, वो कबीर कुछ भी कर सकता है, कहीं आज का दिन हमारे इंतकाल का दिन ना बन जाए। बाहर गार्ड होता तब भी वो अंदर आ जाता है, समझे ना? ये दवाई खा के अगर हम सो जाएं तो सब सोते रह जाएंगे, हम कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दवाई नहीं लेंगे। दवाई नहीं लेंगे तो दर्द के साथ रात कैसे निकालेंगे अबू? जिंदगी भर के लिए सोने से अच्छा है कि एक रात हम ना सोए। तो एक काम करो, ये घंटी बांध दो हमारे। अबू, ये घंटी तो बैल के गले में। हमारे कहने का मतलब है कि जानवर के गले में होती है, इंसान जानते हैं। ये हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी आग लग गई और कबीर आ गया और कुछ करने की कोशिश की तो सब जग जाएंगे, हम बच जाएंगे। लो। अरे देख क्या रही हो, करो ना। बजो, बजो, आप यहाँ। अबू, ये तुम्हें पता है किसने मारा है? यहीं क्या कर रही हो? बजो। अबू, दवाई और पानी टेबल पर रख दिया, अगर आपका मन करे तो खा लीजिएगा। ये सब हम कर लेंगे, तुम जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। नहीं, कल मरहूम जहरा अप्पी की बरसी है, हमें आपकी हेल्प कर दी है। अल्लाह की पनाह, क्या करें हम इस लड़की का, बेवकूफ लड़की। इतना अच्छा मौका हाथ में आया था, तुमने ये भी गवा दिया। कबीर के लिए सही, जारा को बख्शने के लिए, तिलावत के लिए हाँ कर देती। कब्रिस्तान में वो एक रात तिलावत के लिए, कबीर अपनी पूरी जिंदगी की रातें तुम्हारे नाम कर देता। रुखसार, तुम्हें समझ ही नहीं आता है। जो हम क्या करते, हम डर गए थे। डरने की क्या बात थी रुखसार, हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि या अल्लाह, एक तो ये अब्बू ने अपने गले में घंटी बांध के हमारी मुसीबत और बढ़ा दी है, करवट भी बदलते तो भी टन से बच जाती है।
वालेकुम सलाम। कबीर मियां, ये साइकिल किस लिए? बच्चों के लिए, पिकनिक पे जाना है। पर ये साइकिल तो बड़ी है ना बच्चों के लिए, चलाएंगे कैसे? चलाएंगे हम दोनों, बच्चों को पिकनिक पे साथ में हम लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि जिद भी पूरी हो जाएगी उनकी और हमें परेशानी कम होगी। वैसे इमरान जैद को लेके जाएगा, हम फिर दोस्त को आगे बिठाएंगे और अलीशा पीछे। वैसे नजर नहीं आ रहे बच्चे? बच्चे ना जारा के साथ ऊपर है, आप चले जाइए ना। ठीक है, हम उन्हें सरप्राइज करके आते हैं। आइए इमरान। कैसे हो सिद्धू? तुम लोग खाना बना रहे हो? वाह, हमारी साइकिल नहीं लाया। तुम्हारी साइकिल? हम साइकिल आई है बेटा लेकिन बच्चों वाली साइकिल नहीं आई है, बड़ों वाली आई। मुंह क्यों फुलाए हो? तुम लोग ने हमें कहा था कि तुम लोग को पिकनिक पे जाना है साइकिल पे, ना कहा था ना? पिकनिक पे जाओगे तुम लेकिन हम तुम्हें लेके जाएंगे क्योंकि तुम्हारी हिफाजत हमें करना है। हमने पिकनिक कैंसिल कर दी है। साइकिल लाने के लिए शुक्रिया। कैंसिल क्यों किया तुम लोगों ने? हम आपसे रूठे हुए हैं, हम नहीं बताएंगे कि हमने बिरयानी और गाजर का हलवा, मटर पुलाव और भिंडी की सब्जी बनाई है। फिरदौस, ये जो तुम लोग बना रहे हो ये सब जारा की पसंद का खाना है ना? हमारी जारा? हाँ कबीर, बच्चे तुमसे नाराज जरूर हैं लेकिन तुम्हारी जारा की बरसी पे उसका मन पसंद का खाना बनाने के लिए पूरी रात जागकर हमारी मदद की है। और अपनी पिकनिक भी कैंसिल कर दी। अब जरा सोचो कबीर, तुमने बच्चों को साइकिल तो दे दी लेकिन उसे चलाने के लिए इजाजत नहीं दी क्योंकि तुम उनकी भलाई चाहते हो, उनसे प्यार करते हो। वैसे कबीर, अल्लाह ताला भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वो तुम्हारे लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं जो शायद तुम्हें मंजूर नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए सही है। बेहतर यही होगा कि तुम अल्लाह के फैसले उन पर ही छोड़ दो और अपनी जिद भी। कबीर चाचू, क्या अल्लाह ने भी आपको साइकिल नहीं दी थी जो आप उनसे रूठे हुए हो? कबीर चाचू, एक डील करें। हमें पता है जैसे आप हमसे बहुत प्यार करते हैं वैसे अल्लाह भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपसे नाराजगी छोड़ देंगे जब आप अल्लाह से नाराजगी छोड़ दोगे। हमें कबीर चाचू का प्यार मिलेगा और आप अल्लाह ताला से रूठना छोड़ दोगे तो जहरा आंटी को उनकी बरसी पर आपकी दुआ का सवाब मिलेगा। प्लीज कबीर चाचू मान जाइए ना, प्लीज कबीर चाचू मान जाइए ना, प्लीज कबीर चाचू मान जाओ। कबीर बेटा, बहुत हो चुका, खाने पे ध्यान दो।
कबीर, हम अभी आते हैं। उस कातिल को सजा मिलनी चाहिए, उसे औदा मिल रहा है। मैं तो साबित कर दिया मेरे मौला कि इस दुनिया में जीत बुराई की होती है। तेरी इबादत में नमाज पढ़ना मेरे मौला बंद बंद बंद। कबीर, जैसे तुमने बच्चों के भले के लिए उनकी जिद नहीं मानी, वैसे ही अल्लाह ने भी तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हारी जिद नहीं मानी होगी। वीर, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुम अल्लाह से रूठोगे। रूठे किससे हम? जिससे हम प्यार करते इसलिए रूठे हुए हैं। कबीर, नहीं, मसला मालूम क्या है? कोई समझ नहीं पा रहा है हमारे साथ। नहीं समझती हो तुम, क्योंकि अंदर नहीं देखा है ना कि क्या गम। सारा को खोने का जो गम है ना हमारे दिल के अंदर, देखा नहीं है किसी ने। इसलिए कोई ना तुम ना कोई नहीं समझ पा रहा है हमारे साथ क्या चल रहा है। कबीर, हम समझते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कबीर कि जारा के जाने के बाद तुम्हें कितना गम है। लेकिन कबीर, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, उस दुनिया में हमसे लोग अलग होते हैं, हमारे अपने अलग होते हैं। कबीर, तुम जानते हो कल हमने पहली बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाना, और पता है हमने क्या जाना? कि उनके पैदा होने से पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, फिर उनकी माँ का, फिर उनके दादा जो उनका सहारा थे, वो सहारा भी उनसे छूट गया। कबीर, एक के बाद एक उनके सब अपने उनसे दूर होते चले गए। लेकिन कबीर, उन्होंने तो कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। कबीर, तुम्हें कालिम हो, तुम हमारे प्यारे नबी को हमसे लाख गुना बेहतर जानते होगे। अल्लाह के सबसे प्यारे नबी होने के बाद भी उनकी जिंदगी में कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं किया, अल्लाह का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। कबीर, फिर तुम अल्लाह के फैसलों पे सवाल कैसे उठा सकते हो? बस करो कबीर, अगर तुम ही अल्लाह से रूठे रहोगे तो कल को वो बच्चे भी अल्लाह से सवाल करेंगे कि उनके माँ बाप उनसे क्यों छीने गए। बच्चों को अल्लाह से दूर मत करो कबीर, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए अल्लाह से जोड़ दो। नाराजगी छोड़ देंगे जब आप अल्लाह से नाराजगी छोड़ दोगे। आप अल्लाह ताला से रूठा छोड़ दोगे तो धारा आंटी को उनकी बरसी पर आपकी दुआ का सवाब मिलेगा। प्लीज कबीर चाचू, मान जाइए ना। प्लीज कबीर चाचू।
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका नाम है और ज़ारा को बख्श देना, उसकी रूह को सुकून देना।